दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी फेसबुक आईडी से अपनी फ्रेंड की फोन में लॉगिन कर लिए हैं और आप लॉग आउट करना भूल गए हैं, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी फेसबुक अकाउंट अब तक किन किन डिवाइस में लॉगिन है और कैसे हम उन सभी डिवाइसेस से लॉग आउट हो सकते हैं, तो फिर आज की इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम अपनी फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि अगर हम अपनी फेसबुक आईडी से किसी और मोबाइल में लॉगिन है तो उसे हम कैसे अपने फोन से लॉग आउट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ से हम ओपन करते हैं अपने फेसबुक ऐप को। गाइज अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के और भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो आपको मिलती रहे। तो अगर आपकी फेसबुक अकाउंट कोई और मोबाइल में लॉगिन है, या फिर आप पता करना चाहते हैं कि हमारी फेसबुक आईडी कहां कहां पे लॉगिन है, इसके लिए आपको यहां पे क्लिक करना होगा। इस तीन लाइन पे यहां पे आप क्लिक कीजिएगा। यहां पे दोस्तों ऊपर में आपको एक सेटिंग का आइकॉन मिलेगा, ये नए अपडेट में आया हुआ है। अगर आप में ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो आप फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सेटिंग्स। यहाँ पे सबसे ऊपर में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आप दोस्तों जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर आर यू लॉगड इन, मतलब कि आप अपनी आईडी से कहाँ कहाँ पे लॉगिन है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरा फेसबुक आईडी यहाँ पे दो डिवाइस में लॉगिन है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सी ऑल पे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मेरे आईडी से यहाँ इतने डिवाइस में लॉगिन हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, ये मेरा मोबाइल है, जैसे यहाँ पे ये अभी एक्टिव दिखलाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों एक ये फोन है और इसके बाद यहाँ पे लिनक्स है और उसका साथ में एड्रेस है। यहाँ पे ये कल के डेट में लॉगिन हुआ था। इसके बाद यहाँ पे विंडोज है और ये भी कल के डेट में लॉगिन हुआ था, ये टाइमिंग है। तो अगर आप इन सभी में अपने डिवाइसेस से लॉगिन नहीं किए हुए हैं तो आप सिंपली इसे लॉग आउट करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा इस तीन बिंदु पे, देन आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे लॉग आउट। इसी तरह से दोस्तों आप बारी बारी से सभी डिवाइसेस को यहाँ से लॉग आउट कर दीजिएगा। अगर आप एक बार में इन सभी डिवाइसेस को लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉग आउट ऑफ ऑल सेशन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप यहां पे क्लिक कर दीजिएगा लॉग आउट। तो दोस्तों अब यहां से आप जितने भी डिवाइस में अब तक लॉगिन थे उन सभी डिवाइसेस से आप लॉग आउट हो जाइएगा। बेहतर ये होगा कि अगर आप किसी डिवाइस में लॉगिन नहीं है और फिर भी यहां पे लॉगिन दिखला रहा है, जैसे मेरे केस में यहां पे दिखलाया हुआ था, तो आप अपना एक बार फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, ताकि आप बिल्कुल सेफ हो जाए कि कोई और व्यक्ति आपका फेसबुक आईडी का पासवर्ड जानता हो तो वो फिर से लॉगिन न कर पाए।